हाँ ये बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे को एक यूनिक आईडी मिलती है। जो यूनिक आईडी मिलेगी हमें वो 2004 से फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर यूनिक होता है, वैसे ही ये आईडी यूनिक रहेगी। इसका कोई रिन्यूअल चार्ज नहीं है, 2004 से ही कोई रिन्यूअल फीस नहीं है इसकी। इसके साथ में जब हम आईडी को एक्टिव करने के लिए जाते हैं, जिसको हम आईडी ग्रीन करना बोलते हैं या एक्टिव करना बोलते हैं, इसके लिए हमें जो है 30 PV करने होते हैं। 30 PV जो हमें करने होते हैं तो यहाँ पर 1 PV की जो कीमत है, 1 PV बराबर है 30 रुपीज़। तो मिनिमम 900 हज़ार रुपये के हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे अपनी चॉइस के। 300 350 प्रोडक्ट हैं उसमें से, है ना। तो हमारे को क्या मिलेगा कि हमारा 900 रुपये की कीमत के प्रोडक्ट परचेज करें हमने, और उसका MRP जो है वो होगा करीब 1150 से 1200 रुपये। यहाँ हमने आपको बात करी कि आप क्राउन डायरेक्टर बनते हैं तो कंपनी की जो 7 तरह की इनकम होती है वो सारी मिलना शुरू हो जाती है। जो क्राउन डायरेक्टर की मिनिमम इनकम हो सकती है, अगर वो सिस्टम के अनुसार काम करेगा, वो 1 लाख हो सकती है। क्राउन डायरेक्टर जाने के लिए हमने बताया आपको कि 6 लोगों को आपको जो है बिजनेस में सफल बनाना है। ये 6 लोग अगर डायरेक्टर जाते हैं, 20% जाते हैं, तो आप जो है क्राउन डायरेक्टर हो जाएंगे। ये 6 लोग डायरेक्टर बनेंगे। हाँ, इन 6 लोगों में हमें एक बात ये समझनी है क्लियरली कि ये जरूरी नहीं है आपके फ्रंट वाले 6 लोग हों, है ना। इनके नीचे भी कोई व्यक्ति सफल होता है तो भी जो है आप की वो लेग डायरेक्टर लेग मानी जाएगी। तो भी वो हमारी बिल्कुल, मतलब जैसे मैंने इनको बनाया, ये डायरेक्टर बन गया, और इन्होंने 10-15 और इंट्रोड्यूस किए, उसमें से कोई डायरेक्टर बन गया तो वो मेरे उसमें माना जाएगा। बिल्कुल, दोनों के उसमें माना जाएगा, इनपे भी मेरे भी। हाँ, है ना। तो ये जरूरी नहीं कि यही व्यक्ति डायरेक्टर जाए, नीचे भी कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर जाता है तो भी वो आपका ही होगा। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कर भला तो हो भला। हमने इनका भला करा, इनको डायरेक्टर लेने में मदद करी तो इनका भला हुआ, तो हमारा भी भला होगा। ठीक है। 7 तरह की इनकम जो मैंने आपको बताई, उसमें पहली क्या है, 10 से 20% का डिस्काउंट। 10 से 20% का जो डिस्काउंट है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। 900 रुपये में प्रोडक्ट मिला हमें और 1150 रुपये MRP है। ठीक है, ये तो अपन का डिस्काउंट होगा, है ना। दूसरी इनकम जो आती है वो आती है हमारी क्या, परफॉर्मेंस बोनस। 5 से लेके 20% तक का परफॉर्मेंस बोनस। ठीक है, अभी ये मैं क्लियर करूँगा कि ये कैसे होता है। इसके बाद जो है कंपनी टर्नओवर का 40% हमें देती है कंपनी। कंपनी अपने टर्नओवर का 40% हमें देती है मंथली, जो हमारे को क्राइटेरिया में हम ले पा रहे होंगे तो, है। बाकी जो है ये मिलना तो है, हमें नहीं मिल रहा तो हमारे अपलाइन को मिल रहा होगा। मतलब कंपनी तो हर मंथ अपने ये बांटती बांटती है, किसी न किसी को ये मिल रहा होता है हर मंथ। हमें कैसे मिलेगा, कहाँ से हम पहुँचेंगे उस तक, वो हम बात करते हैं। अगर हम इसको डिस्काउंट हटा भी दें तो भी हमें 60% पे आउट मिलता है, 20% और 40%। ठीक है, इसके बाद हमें जो है ऑफर्स भी जो है मिलते हैं मिनिमम 10% की। ये 7 इनकम के अलावा की है। ये हमने समझ लिया डिस्काउंट कैसे मिल रहा है। 5% से 20% तक कैसे मिलेगा, तो 100 रुपीज़ का कोई भी प्रोडक्ट अगर हम परचेज करते हैं तो यहाँ पे 60% बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। मतलब 100 रुपये की चीज़ पे हमें 60% जो है पे आउट वाला पैसा मिलेगा। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर 1 PV बराबर 30 रुपये है। अब यहाँ पे हमने लिखा है बिजनेस वॉल्यूम, तो दो चीज़ें हो गई, पॉइंट वैल्यू और बिजनेस वॉल्यूम। 1 PV की जो कीमत है वो बिजनेस वॉल्यूम से जब हम निकालेंगे तो 18 बिजनेस वॉल्यूम।
ठीक है, एक पीबी बराबर 18 बिजनेस वॉल्यूम और एक बीबी बराबर 1.66668 टाइम आप इसको करोगे तो वो रुपीज में आपका क्या जाएगा, रुपए में वैल्यू हो जाएगी। okay. ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। एक बीबी बराबर आप रुपीज में निकालेंगे तो वही आएगा, एक पीबी बराबर आप निकालेंगे तो वही आएगा। ठीक है, 5%, 8%, 11%, 14%, 17% और 20%, ये हमारा जो है स्ट्रक्चर है किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। एक पीबी से लेकर 500 पीबी तक हम जो भी परचेज करेंगे वो हमारे को 5% का बेनिफिट देगा। 500 पीबी, हाँ, 501 पीबी से लेकर 2000 पीवी तक जो भी परचेज करेंगे तो 8% का बेनिफिट होगा। 2001 पीवी से 4500 पीवी तक हमारे को जो मिलेगा वो 11% का बेनिफिट। 4501 से 7500 तक 14% का। 7501 पीवी से 10000 पीवी तक हमें मिलेगा 17% का। और 10001 पीवी से जैसे ही प्लस होगा तो हमें बेनिफिट मिलेगा 20%। इसको हमें एक उदाहरण से समझ लें तो बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने नीचे लोगों रजिस्ट्रेशन करा है, मैं परचेज कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट साइड अप हो रहा है, साथ ही साथ वो लोग परचेज कर रहा है तो उनके भी जितने पॉइंट्स होंगे वो सब उनके पास भी आएंगे और वही पॉइंट्स मुझ में भी ऐड अप होंगे, तो मेरा नेटवर्क जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा मेरी पीवी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, मंथली मंथ के मंथ ऐड अप होती चली जाएगी। देखिए यहाँ पर जो है आपका पीबी का कैलकुलेशन जो होता है वो मैं भी आपको क्लियर करूँगा, इसलिए मैंने बोला था एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो जाता। मान लीजिए कोई बंदा ज्वाइन हुआ और पहले महीने उसने जो है अपने पीबी कितने करे, इसको हम देख लेते हैं कि 2500 पीबी उसने करे। ये 2500 पीबी आप अकेले भी कर सकते हो, पूरे ग्रुप के साथ भी कर सकते हो। ग्रुप में आपके 100 लोग भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, तो मेरे नेटवर्क पे डिपेंड। बिल्कुल, 2500 पीबी अगर हुए हैं तो 2500 पीबी होने पर यहाँ पर क्या आएगा, हम टेबल में देखें 2001 से ज़्यादा है और 4500 से कम है तो उस पर कितना मिलेगा, 11%। 2500 पीबी का 11% का कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा जो है हमें इस तरह से रहेगा कि आप पीबी को पहले बीबी में बदलोगे, जितने बीबी आएंगे उसके अनुसार आपको 11% मिलेगा। जिसके बीबी आएंगे 2500 इंटू हम 18 करेंगे तो हमारा वो निकल के आ जाएगा बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम का जो अमाउंट आ रहा है उसके 11% के हिसाब से हमारा चेक बनेगा। बिजनेस वॉल्यूम के अमाउंट का 11%, पच्चीस सौ पीवी करे हमने, मल्टीप्लाई करा हमने बीवी में बदलने के लिए 18 को, ये आ गए 45,000 बिजनेस वॉल्यूम इंटू 11 डिवाइड 100 तो आपका चेक बनेगा 4950 का। ठीक, ये 4950 का जो चेक आपका बना है, अगर आपने अकेले ये पीवी किए होते तो आपको पूरा का पूरा 4950 मिल जाता। अभी आपकी टीम है, मान लीजिए 50 लोग हैं आपकी टीम में, उन सब ने मिलके काम करा, जिन्होंने 5% वाला बिजनेस करा है उनको 5% का बेनिफिट मिलेगा, और उनके बिजनेस से मान लीजिए इस लेग से आपका जो है 5% वाला बिजनेस आया है तो इनका 5% और आपका 11% डिफरेंस कितना है, 6% का। इनको टोटल कंपनी क्या देगी, उतने पीबी, मान लीजिए यहाँ पे 500 पीबी आए है ना, 500 नहीं 400 पीबी आए, 400 पीबी का कंपनी को क्या देना है, 11%, 5% उन्होंने इनको दे दिया और 6% आपको दे दिया।
उसके लिए मुझे 11% करना पड़ेगा। वो जितना भी होगा आपका, ये एग्जांपल है हमारा, तो मतलब मुझे 11 करना पड़ेगा, और फिर अगर मेरे नीचे वाले जिनको मैंने बाद में एडप्ट कराया अगर वो उससे कम करते हैं तो उसका डिफरेंस फिर मुझे मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, ये क्लियर हो गया कि हमें डिफरेंस मिलता है। दूसरे महीने भी मान लीजिए यहाँ पे जो है 3000 PV हुए, 3000 PV हुए तो हमारा परसेंटेज लेवल कितना होना चाहिए, 11 ही होना चाहिए, क्योंकि 4500 से कम है। बेस्टी के लिए एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपका बिजनेस वॉल्यूम जीरो नहीं होता है, हर महीने पिछला वॉल्यूम जो जाता है प्लस हो जाता है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5500 जब हुआ तो हमारा क्या हुआ, पिन लेवल चेंज हो गया, 4500 एक से आगे बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अगर इसका अब निकालेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, 14%। लेकिन मिलेगा किस चीज का, जिसका नहीं मिला है, इसका तो मिल चुका ना, तो 3000 का 14% उसी कैलकुलेशन से हम निकालेंगे। तीन हजार इंटू 18 तो ये आ गए हमारे 54000 क्या बिजनेस वॉल्यूम, इसका हमने निकाला मल्टीप्लाई 14%, तो आ गया ये 7560 रुपये। वही होगा, अकेले किया तो पूरा हमको मिल जाएगा, नहीं तो डिफरेंस हमें आएगा। जैसे मैं मेरी आईडी से 25 हूँ, मान लीजिए मैंने करिए पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं 400 पॉइंट्स समथिंग। अब मैंने 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया था, अब उन 10 ने भी 400 पॉइंट समथिंग करे तो वो मुझ में ही ऐड होंगे सारे। बिल्कुल, तो मेरा टोटल मान लीजिए 3000 हो गया। आपने अगर 10 लोगों को 400 पॉइंट करवाए और आपने 400 पॉइंट करे तो टोटल 4400 पॉइंट हो गए। हाँ, 4400 हो गए। अब 4400 के ऊपर ये वाला रेशो आएगा। 4400 में आप कहाँ पर हो, 11% पे, 11% पे आपको अपने 400 पॉइंट का कितना मिलेगा, 11%। मुझे मेरे 400 पॉइंट में 11 मिलेगा, 11 क्योंकि आप 11 पे आ गए। और उन सब का जो है 400 पॉइंट है, अगर आपने फ्रंट में सबको लगाया है 10 लोगों को, तो वो सब 5% पे है। उन सब ने भी 400 पॉइंट कलेक्ट करे, उन्होंने भी करे, और आपने सबको फ्रंट पे लगाया है, मतलब कोई भी 8% पे नहीं गया है, क्योंकि 501 से ज्यादा किसी के नहीं हुए है ना, तो वो सब जो है 5% के हकदार हुए, क्योंकि 500 पीवी है उनका। उन सबको 5% मिल जाएगा 400 पॉइंट का, और मुझे बाकी का जो 400 पॉइंट का टोटल 4000 पॉइंट का जो 6% बच रहा है वो आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। अच्छा, वो एक्स्ट्रा मुझे मिलेगा। ओके, क्लियर। तो अपन को सर फ्रंट में सबको लगाने से फायदा ज्यादा है या अपन इसमें, सर जो है फ्रंट हमें 6 चाहिए मजबूत, 6 मजबूत चाहिए, और मैं शुरुआत में बोलूंगा 6 या 8 फ्रंट लगाएं, बाकी उनके नीचे उनके लोगों को लाएं या आप अपने लोगों को भी लगाएंगे वहाँ पे, क्योंकि ये सारा का सारा बिजनेस आपके बाद का जो है वो आपका, चाहे वो आप डेप्थ में लेके जाएं या फ्रंट में लेके जाएं। लेकिन यहाँ पे जो अभी मैं क्लियर करूंगा आपको, तो आप समझ जाएंगे कि हमें डेप्थ भी मजबूत करना बहुत जरूरी है और फ्रंट भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। ठीक, अभी प्लान पूरा होते होते वो चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ 5500 हुआ है, अगर हम देखें तीसरे महीने जो है, अगर यहाँ पे हमने टीम ने पूरे मिलके 5000 पॉइंट कर लिए, पीवी कर लिए, क्योंकि टीम बड़ी होती जाएगी तो पॉइंट बढ़ सकते हैं, है ना? तीसरे महीने हमने करा तो ये भी प्लग जो है टोटल हो गए 10500 पीवी, 10000 एक से ज्यादा हो गए, तो इस पे क्या होगा, हमें 20% मिलेगा। लेकिन मिलेगा काय का, 5000 का, क्योंकि यहाँ तक का तो मिल चुका पहले। अब ये जो 5000 का मिल रहा है हमें, तो उसका भी हम कैलकुलेशन निकाल लें, 5000 × 18 बराबर हो गए हमारे 90000 पॉइंट। 90000 पॉइंट का हम जो है मल्टीप्लाई 20%, तो ये आ गया 18000 रुपये। ये 18000 रुपये अकेले करा
तो हमें मिलेगा, नहीं तो वही डिफरेंस मिलेगा जैसे अभी आपने समझा। ठीक है, जैसे ही हम डायरेक्टर ये यहाँ पे 20% पे आते हैं और डायरेक्टरशिप को मेंटेन करते हैं, जो मैंने आपको क्या बोला था, सेम मंथ में जिस मंथ भी हम 20% जा रहे हैं, सेम मंथ में अगर हमारा 2001 PB है तो हम क्वालिफाइड डायरेक्टर हो जाएंगे। अगर 2001 से कम है तो हम 20% तो आ जाएंगे लेकिन डायरेक्टर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हम 20% पे आते हैं और क्वालिफाई करते हैं डायरेक्टर, तो हमारे को जो है कंपनी टर्नओवर का 40% का जो बेनिफिट है उसको मिलने की शुरुआत हो जाती है। 2000 बिजनेस वॉल्यूम, 2001 बिजनेस वॉल्यूम, सेम मंथ 2001 बिजनेस वॉल्यूम हुए 60,000 रुपये। नहीं, पॉइंट पॉइंट वैल्यू के हिसाब से देखें तो नहीं, वही हो ना, पॉइंट वैल्यू तो ये 2001 बिजनेस वॉल्यूम, वो पॉइंट वैल्यू, सॉरी पॉइंट वैल्यू बिजनेस वॉल्यूम नहीं है। अच्छा, आपने मुझे क्लिक करवाया कि ये जो है पॉइंट वैल्यू है 2001 पॉइंट वैल्यू है, पॉइंट वैल्यू इसको हम करेंगे तो हम डायरेक्टर क्वालिफाई डायरेक्टर होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर अपन 2001 पॉइंट वैल्यू का अचीव करते हैं तो जब 20% जा रहे हैं, जिस मंथ भी 20% हो रहे हैं उस मंथ अपनी पॉइंट वैल्यू 2001 से होनी चाहिए, होनी चाहिए मिनिमम उससे, हाँ मिनिमम, तो हम क्वालिफाई डायरेक्टर होंगे। ओके, ठीक, अभी यहाँ पे हम जो है दो बेनिफिट कंपनी और देती है उसको समझ लेते हैं। एक देती है फास्ट 8% का, इसको हम बोलते हैं फास्ट स्टार्ट। फास्ट स्टार्ट जो है वो अगर आप एक ही मंथ में, सिंगल मंथ में अकेले या अपनी टीम के साथ 282+ PB करते हैं 1 तारीख से 30 तारीख के बीच, तो आप फास्ट 8 हो जाते हैं। 8% जाने के लिए 501 PB लग रही थी यहाँ पे नॉर्मल तरीके से, लेकिन ये कंपनी ने फास्ट स्टार्ट के लिए दिया कि कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा तेजी से मेहनत करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा अचीवमेंट रखा है। इससे मिलेगा क्या, सबसे पहले तो सम्मान मिलता है 2 तारीख को हर महीने की, जो भी फास्ट 8% जाते हैं उनको। दूसरा, हमारे को 900 रुपये प्राइस के प्रोडक्ट का एक वाउचर मिलता है जो नेक्स्ट परचेज में हमें फ्री में मिल जाती है। ठीक है, तीसरी चीज, हमारा चेक साइज स्ट्रक्चर के अनुसार 200 रुपये से 600 रुपये के बीच का बनता है कि ये आपने 282 PB किस स्ट्रक्चर से किया है, है ना। अकेले किया है तो पूरा पूरा लगभग 600 रुपये के आसपास का चेक बनेगा, ये सब 5% वाले हैं तो आपका जो है लगभग लगभग 300-400 रुपये का चेक बनेगा। साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पे जो हिडन है, 282 पे आप जो है 8% चले गए, 501 पे आप 8% आते हो, नहीं तो उससे पहले तक कितना मिलता, 5%, 3% एक्स्ट्रा का बेनिफिट हर बार आपको मिलेगा जब तक कि आप 501 PB तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वहां तक तो आपको 5% मिलता है, तो ये हिडन है। डायरेक्टर बनने के बाद नहीं, 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 शुरुआत की बात, स्टार्टिंग 5% से हर एक की शुरुआत होती है। आपने एक ही महीने में 282 PB करे, ये फर्स्ट महीने का है या बीच में कोई, फर्स्ट महीने भी कर सकते हो या जब तक आप अपने 500 PB से ऊपर नहीं पहुंच रहे जब तक कर सकते हो, चाहे वो सेकंड मंथ करो या थर्ड मंथ करो, एक ही महीने में, एक मंथ जब तक कि आप 8% नहीं गए तब तक। ठीक है, तो वो आपको ये 3 चीजों का बेनिफिट मिलेगा। आप नॉर्मल तरीके से 8% जाओगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, ये तो आपका जितना बनना उतना बनेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, और तीसरा हिडन बेनिफिट नहीं मिलेगा जो जब तक आपको 5% ही मिलता रहेगा। दूसरा बेनिफिट जो कंपनी ने ऑफर दिया है फास्ट 20% का, ये भी 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में होता है और इसमें 10,001+ PB होते हैं तो हम जाते हैं 20%, चाहे एक महीने में जाए, चाहे 10 महीने में जाए, चाहे 1 साल में जाए। एक ही सिंगल मंथ में आप अपनी टीम के साथ या अकेले 7,501 PB कर लेते हो, मतलब जिसमें आप क्या हो रहे थे 17% हो रहे थे। 7,501 PB कर लेते अकेले या पूरी टीम के साथ,
एक मंथ के अंदर ही, सिंगल मंथ में, एक तारीख से 30 तारीख के बीच में। जैसे रेशियो निकाले तो कितनी परचेज बनेगी? ये बनेगी आपकी परचेज जो है 2,25,000 की, और यहाँ पे आपकी परचेज बनती है 3 लाख प्लस की, 10,000 की। 30 रुपये का एक पीवी है, इंटू 10,000 करा तो 3 लाख हो गया, 7,500 इंटू 3 लाख करोगे, 30 रुपये करोगे तो आप 2,25,000 आ जाएगा। 75,000 रुपये कम में आप जो है फास्ट डायरेक्टर बन सकते हो। ये दो ऑफर हैं, जरूरी नहीं है आप लो, लेकिन लेते हैं तो बेनिफिट है। अब हमने बात करी थी कि हम जुड़ते हुए क्रम में या इस तरह से डायरेक्टर बने तो हमें क्या होगा, अभी तक जो इनकम हमें आ रही थी परफॉर्मेंस बोनस की, वो हमारे टर्नओवर पे आ रही थी, सिंगल इनकम आ रही थी। लेकिन जैसे ही आप डायरेक्टर क्वालिफाई करते हो तो उसी टर्नओवर पे आपकी दो इनकम आएंगी, परफॉर्मेंस बोनस भी और डायरेक्टर बोनस भी। 14% डायरेक्टर बोनस मिलता है आपको, जिसके लिए मैंने बताया कि रेट तय होता है, वो कैलकुलेशन में मैंने बताया आपको। टोटल डायरेक्टर का जितना भी टर्नओवर होता है सेम मंथ में, और उसका टोटल नंबर आप डायरेक्टर जितने होते हैं उसको डिवाइड करके रेट निकाला जाता है, फिर आपके टर्नओवर के हिसाब से उसको जो है मल्टीप्लाई करा जाता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस जीरो नहीं होता, प्लस होता हर महीने, आप जुड़ते हो क्रम में डायरेक्टर गए हो तो आपकी टीम में जो 6 मजबूत लोगों को आप लेके आए हो वो भी कभी ना कभी 20% पे डायरेक्टर जाएंगे। एक व्यक्ति अगर आपका डायरेक्टर हो जाता है तो आपका लेवल हो जाता है सिल्वर, एक डायरेक्टर। हाँ, लेकिन इस सिल्वर को क्वालिफाई करने के लिए आपको साइड से जितने भी लेग्स हैं या अकेले 1801 पीवी करने होते हैं। बचे हुए 5 के साथ या अकेले? बचे हुए 5 के साथ या और भी लेग्स हों या अकेले। ये व्यक्ति जो डायरेक्टर जाएगा तो मिनिमम कितना करेगा, 2001 या इससे भी जा सकता है 7,501 से भी। लेकिन अगर आप साइड से 1801 करोगे तो आप क्वालिफाई सिल्वर होगे, नहीं तो आपका लेवल क्या होगा, सिर्फ 20% है, है ना। तो वो 1801 जो है वो 1 मंथ है या फिर सिंगल उसी मंथ में, सेम मंथ में उसी से बिजनेस। आप ये समझिए कि कोई भी बिजनेस जो होता है, जैसे भाई जॉब कर रहे हैं तो 1 तारीख से 30 तारीख तक जो काम करेंगे उसी की सैलरी मिलेगी, इसी तरह से बिजनेस में भी जो है हम 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में जितना भी काम कर रहे हैं उसी का हमें पे आउट आएगा। तो पूरा बिजनेस प्लान एक मंथ का ही होता है, सिंगल मंथ में आप जो भी करेंगे उसके अनुसार आपको मिलेगा। ठीक सर, तो अगर हम सिल्वर क्वालिफाई होते हैं तो सिल्वर क्वालिफाई होने पर हमें क्या होता है, हम यहाँ पर सिल्वर डायरेक्टर बने हैं, और सिल्वर डायरेक्टर पे हमें आती हैं 2 तरह की इनकम। एक आती है हमें 15% LOB, जिसको हम बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। दूसरा हमें मिलता है 3% ट्रेवल फंड। ट्रेवल फंड जो है आपका फंड है, इसलिए हमें समझ में आ रहा है वो फंड जमा होता होगा, है ना। तो यहाँ पर जनवरी और जुलाई, ये दो समय पे आपका ट्रेवल फंड काम में आता है। जनवरी आप एशिया ट्रिप जा सकते हैं, जब आप सिल्वर डायरेक्टर हो गए तो आपके लिए ये जनवरी वाला ट्रिप एलिजिबल हो गया कि आप उसमें जा सकते हैं अपना फंड देखकर कितना फंड है उसके अनुसार। दूसरा जुलाई वाला ट्रिप होता है क्राउन एन एव के लिए, उस समय अपना फंड देखते हैं तो आप यूरोप ट्रिप जा सकते हैं। ठीक है, ये सर एक व्यक्ति जोड़ते हुए कम में जो है क्या हुआ है, डायरेक्टर हुआ है, उसी तरह से दूसरा भी होगा और 2001 पीवी से मेंटेन करेगा अपने आप को तो क्वालिफाइड डायरेक्टर होगा वो। और आपका दो व्यक्ति जो है क्वालिफाइड डायरेक्टर हुए हैं और आपका लेवल हो जाएगा गोल्ड का, लेकिन साइड से आपको क्या करना होगा, 1501 पीवी साइड मेंटेन, अलग बचे हुए 4 लोगों से अकेले या और भी जितनी लेग्स हैं उससे। इसी तरह से तीसरा व्यक्ति भी जोड़ते हुए में, क्योंकि बिजनेस जीरो नहीं हो रहा प्लस हो रहा है, तो वो भी डायरेक्टर जाएगा 2001 पीवी से। तीनों व्यक्ति मेंटेन करेंगे सेम मंथ में और आप हो जाएंगे यहाँ पे स्टार डायरेक्टर। कब,
जब आप 1000 PV से अपना मेंटेन करेंगे साइड मेंटेन, ये तीनों लोग जो है अपना 2001 कर रहे हैं और आप कर रहे हो 1001, तो आप क्वालिफाई स्टार डायरेक्टर हैं। अगर आप इसी चीज़ को 3 महीने लगातार कर देते हैं जीवन में कभी भी एक बार, या तो फर्स्ट मंथ जिसमें आप जा रहे हैं स्टार, सेकंड मंथ भी कर दें उसके और थर्ड मंथ भी कर दें, ये तीनों मिनिमम 2001 PV कर रहे हैं और आप साइड से 1001 PV कर रहे हैं, आप हो जाएंगे क्वालिफाई स्टार डायरेक्टर। और क्वालिफाई स्टार डायरेक्टर जब हम होते हैं 3 मंथ मेंटेन करने के बाद, तो हमें मिलना शुरू होता है 5% कार फंड। ये आपकी कार खरीदने के लिए होता है, जो टॉप लेवल पे 60,000 पर मंथ आता है और मिनिमम शुरू होता है 10-15 हजार से। एक बार शुरू हो गया तो हमेशा आता रहेगा, एक बार स्टार्ट हो गया तो। और क्वालिफाई सिर्फ जीवन में एक बार करना, लगातार 3 महीने। अच्छा, ये जो फंड्स हैं ये हमेशा आते रहेंगे एक बार स्टार्ट होते? सिर्फ कार और हाउस, बाकी आपका जैसा लेवल होगा उसके हिसाब से ट्रेवल फंड और वो चार दूसरी इनकम आएंगी। इसी तरह से चौथा व्यक्ति अगर आपका जो है क्वालिफाई होता है जोड़ते हुए क्रम में, क्योंकि बिजनेस जीरो नहीं होता प्लस होता है, तो आपको जो है साइड से जो मेंटेन करना है वो 501 PV करना है। ठीक है, आप हो जाते हैं यहाँ पे डायमंड डायरेक्टर। यहाँ पे हुए थे आप स्टार डायरेक्टर, यहाँ पे आप हुए थे गोल्ड डायरेक्टर, और यहाँ पे हुए थे आप सिल्वर। ठीक है, इन सब ने 2001 करे, आपने साइड से 501 करे, तो आप क्वालिफाई डायमंड डायरेक्टर हो गए। इसी तरह से जो बची हुई दो लेग हैं, ये 5 बार करता है तो कुछ नहीं है, लेकिन छठा अगर हो जाता है तो आप हो जाएंगे क्राउन डायरेक्टर और साइड मेंटेन हो जाएगा 0। क्राउन पे साइड मेंटेन की जरूरत नहीं है। आपने 1 मंथ क्राउन डायरेक्टर करा, दूसरे मंथ करा, तीसरे मंथ करा, लगातार ये 6 लोगों ने 2001 करे पीवी सिर्फ लाइफ में एक बार 3 मंथ लगातार, तो आप हो जाएंगे क्वालिफाई क्राउन डायरेक्टर लाइफ में एक बार। कभी भी इन 6 लोगों ने 2001 3 महीने लगातार कर लिया तो आप क्वालिफाई क्राउन डायरेक्टर हो जाएंगे। 3 महीने उन्होंने क्वालिफाई करा है तो आपको 3% हाउस फंड लाइफ टाइम मिलने के लिए शुरू हो जाएगा, जो टॉप लेवल पे मिलता है 80,000, शुरुआत होता है 10-15 हजार से। ठीक है, हमने बात करी थी आपसे कि जब आप क्राउन डायरेक्टर तक पहुंचते हैं तो आपकी एक मिनिमम इनकम होने लगती है 1 लाख रुपये। ये 1 लाख रुपये में से 60% पैसा आता है LOB का, रॉयल्टी इनकम का, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाली इनकम है। रॉयल्टी इनकम मिलती किस किस को है? राइटर को, साइंटिस्ट को, फिल्म प्रोड्यूसर को, या फिर जो है सिंगर को। इसके अलावा और कोई मेरे नज़र में अभी तक नहीं आया, आपकी नज़रों में बताएं जिनको रॉयल्टी इनकम मिल रही है। वो इनकम आपको मिल सकती है और आपकी पीढ़ियों तक पहुंच सकती है ना। यहाँ पर 2 पॉइंट और बचे हैं इस वीडियो के, हमारे इस प्लान के, वो क्या है? एक होता है रीपर्चेस। रीपर्चेस क्या होती है? अगर हमने बात करी थी पीछे, अगर हम अपनी खुद की परचेज नहीं कर रहे हैं है ना, तो होल्ड पे जा रहा है, लेकिन वो चीज जो है रीपर्चेज में आती है अगर आपको चेक बनाना है तो। यहां पर 5% से लेके 17% तक जितने भी हैं उनको मिनिमम करना होता है 20 PV। इंटू 30 करेंगे तो कितना होगा? 600 रुपये का परचेज। 20% से जितने भी एबव हैं उनको करना होता है 40 PV, मतलब कि इंटू 30 करेंगे तो 1200 रुपये मिनिमम का बिजनेस। ये अगर किसी भी फॉरेन की कंपनी में नहीं किया जाता है रीपर्चेस हर महीने, तो सारा का सारा बेनिफिट अपलाइन को चला जाता है।
लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो बेस्टी अकेले एक ऐसी कंपनी जिसमें होल्ड होता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने भी अगर हमने अपनी परचेज नहीं करी है, जो मैंने बताया आपको क्लियरली कि कुछ भी परचेज नहीं करा, 7वें महीने ऐसे हमने क्राइटेरिया पूरा करा, हम इतने के बीच में हैं तो ये क्राइटेरिया, और इससे ऊपर है तो ये क्राइटेरिया है, जैसे हमने क्राइटेरिया पूरा करा रुकी हुई जितनी भी इनकम है हमारी वो सारी एक ही मंथ में आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा यूनिक पॉइंट, एक यूनिक पॉइंट और है हमारा, हमने एक बार क्वालिफाई कर लिया, हमने एक बार क्वालिफाई कर लिया क्राउन डायरेक्टर 3 महीने मेंटेन करके, तो हमें सब तरीके की इनकम आने लगी। उसके बाद मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता है कि ये 5 लोग जो है कुछ काम नहीं कर पा रहे, जो आप बोलने आ रहे थे उस समय, ये 5 लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक ही लेख से यहाँ से अच्छा बिजनेस आता जा रहा है, और ये अपना अच्छे से डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हैं, और यहाँ से आपका जो है सिल्वर वाला जो आप पॉइंट कर रहे थे 1801 PB, आप सिल्वर वाली क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तब भी आपको क्राउन वाली इनकम आ रही होंगी। आप अकेले नहीं, आपकी सिर्फ एक लेग अच्छा काम कर रही है, अच्छा। बाकी 5 लेग गायब हो गई हैं, वो काम नहीं कर रही हैं, और आप किसी भी तरीके से ये अकेले या और दूसरी लेग जो आपने खोली है वो 5% 10% या 8% या 11% पे हैं, और वो सब मिला के आप 1801 PB मिनिमम कर रहे हैं, तो भी आपको ये सब कुछ आएगा। इसीलिए यहाँ पे मिनिमम का क्राइटेरिया भी रखा है कि इतना तो आएगा ही आएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, प्लान यहाँ पे पूरा हुआ है। कोई डाउट नहीं है? स्टार्टिंग कैसी क्या रहेगी इसकी? स्टार्टिंग के लिए आपको अपना आधार कार्ड की कॉपी देना है, पैन कार्ड की कॉपी देना है, और बैंक पासबुक की कॉपी देना है जिसमें आपका की IFC कोड हो, है ना? और यहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने पे मैंने बताया आपको कि जो है आपका एक यूनिक ID आएगा, उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे ऑफिस में सबमिट करना है और अपनी परचेजिंग करना है। जी कब चलेंगे? हाँ 8:30 बजे बस चलते हैं, 10 रुपये। तो आपका जो है परचेजिंग आप करेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो आपका वो शुरुआत हो जाएगा। प्रोडक्ट पसंद आते हैं तो हम आगे काम करेंगे टीम बनाने पे, प्रोडक्ट पसंद नहीं आते हैं तो आप खुला हुआ प्रोडक्ट वापस करके अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में वापस ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं प्रोडक्ट्स ऑफलाइन जो है वो तो ले रहे हैं, बट साथ में वो चीज़ें भी ले रहे हैं ऑनलाइन अवेलेबल, वो भी ले सकते हैं। उस पर पॉइंट्स यही वाले पॉइंट्स ऐड अप होंगे या फिर वो कैशबैक वहाँ से? सेम पॉइंट ऐड अप होंगे आपको, आपको उसमें जो पॉइंट्स मिलते हैं वो पॉइंट्स थोड़े कम मिलते हैं लेकिन ऐड अप होते हैं, वो मतलब ऐड अप वो पॉइंट्स भी होते हैं इसी में ऐड अप होंगे, जो आपका जो PB चल रहा है ना 5-20% का, उसी में ऐड अप होंगे, उसी के अनुसार आपका वो आगे बढ़ेगा। जैसे कि मुझे अभी हेडफोन चाहिए था, और अगर जैसे हम मान लीजिए हम ऑनलाइन में प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से आपका टाइप है, हम वो वाला, हाँ अगर हम वहाँ से ऑर्डर करते हैं और फिर वो प्रोडक्ट अगर हमें पसंद नहीं आता है तो, हाँ तो वो जो है आपका वापस कर सकते हैं, रिफंड हो सकता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर एक चीज़ का आपको कंडीशन बता दिया जाएगा, टर्म्स जो हैं वो पता होंगी आपको, उस पर सब कुछ आता है कि किस कंडीशन में आप वापस कर सकते हैं, कैसा होगा। कई बार होता है कि डिलीवरी होने में वो प्रोडक्ट जो है डैमेज हो जाता है, कुछ होता है या उसमें कुछ खराबी होती है, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी यहाँ पे जो है जैसा कि अमेजोन का पोर्टल होता है वहाँ पे सारी चीज़ें आपको सुविधा मिलती है, वैसे यहाँ पे सुविधा मिलती है कि भैया पसंद नहीं आया तो आप वापस कर दो वापस, है वो उसमें कहीं कोई वो नहीं है। तो मतलब ये सब मुझ पे डिपेंड करेगा कि मैं किन लोगों को लेके आ रहा हूँ और वो कितना ज्यादा एक्टिव है। हाँ, और उसको कहाँ लगा रहा हूँ ये भी सब, वो भी सब आपके ऊपर, वो सब डायरेक्ट लगा रहा हूँ या नीचे लगा रहा हूँ, वो हमारी सलाह आप ले सकते हो तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिट किस में ज्यादा आएगा, क्योंकि अभी आप नए हो, है ना। लेकिन हम बोलेंगे पहले अपने आपको फ्रंट मजबूत करना है, तो उसमें एक और चीज मैं बोलता हूँ, ये जो लोग हैं फ्रंट में, इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है
कि आपके जो रिश्तेदार करना चाहे या ना करना चाहे, भाई बहन हो, मम्मी पापा हैं या और आपके जो रिलेटिव हैं, है ना, उनको आप लगा दीजिए जो ना करना चाहे उनको भी। हाँ, फिर वो उनका आईडी एक्टिव करवा दीजिए, उनसे बोलिए मेरे कहने से, जैसे आपके फूफी जान हो या खाला हो, उनको आप बोलिए मेरे कहने से आप इसके 1000-2000 के प्रोडक्ट एक बार यूज कर लीजिए, फिर पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो मत करना। इन्होंने एक बार आईडी एक्टिव कर ली, वो हमेशा के लिए एक्टिव हो गई है। इसके नीचे आप लोगों को लाना शुरू करिए। अच्छा। एक समय ऐसा आएगा ये आपको दुआएं दे रहे होंगे, उनको फ्री में मिल रहा होगा, उनको वो बेनिफिट फ्री में मिल रहा होगा। एक समय वो जुड़ते क्रम में 20% पहुंच ही जाएंगे। तो वो अपन को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, या मिलेगा उसमें? मिलेगा, अपने को बेनिफिट मिलेगा, अपने को जो मिलना वो अपने को मिलेगा। जैसे अपन ने अपने फ्रंट में लगा दिया, वो लाइन काम नहीं कर रही, उनके नीचे जो आ रहा है, हम काम कर रहे हैं उनके नीचे, उनके नीचे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपने भाई को लगाया, मान लीजिए भाई काम नहीं कर रहा, लेकिन हम तो काम कर रहे हैं। भाई काम नहीं कर रहा तो जो हमारे को नीचे से डिफरेंस आ रहा है वो तो हमें पूरा आएगा, और भाई को भी आ रहा है, भाई को भी आ रहा है ना। यहाँ पर आपका भाई आज नहीं समझेगा, लेकिन जिस समय 20% पे आ गया और आपकी इसी तरह 6 लोग 20% पे आ गए, आप क्राउन हो गया, उस दिन समझ में आएगा भाई, तो उसको 1 लेग तैयार मिल जाएगी। वो उसकी अपनी 6 लेग बाद में 5 लेग और दूसरी लेग तैयार कर सकता है बाद में, लेकिन 1 लेग तो, क्योंकि हमें तो काम करना है ना, हमें क्लियर हो गया कि हमें काम करना है। तो एक ऑप्शन दे रहा हूँ आपको कि अपने घर वालों को एक मजबूत हम बिजनेस दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जो अपलायन है विक्की जयसवाल सर, उन्होंने यही काम करा था। जैसे सर अपन ये भी कर सकते हैं कि जैसे ये मैं हूँ, मैंने एक भाई को लगा दिया, यहाँ अपनी वाइफ को लगा दिया, वाइफ काम तो करेगी, वाइफ को नहीं लगाना, हस्बैंड और वाइफ एक यूनिट होती है। अच्छा। माता पिता को आप लगा सकते हैं, बहन को या भाई को लगा सकते हैं। अच्छा। या दूसरे फैमिली मेंबर को लगा सकते हैं, वाइफ को, हस्बैंड वाइफ एक ही आईडी होती है। अच्छा, ये आपके नाम से आईडी बने या उनके नाम से बने, बात एक ही है कि वो दोनों एक ही यूनिट माने जाते हैं। हस्बैंड वाइफ मतलब सिंगल फैमिली, और उसको एक ही आईडी पे काम होता है, है ना। यहाँ पे आप अपने भाई को लगा दें, बहन को लगा दें, बुआ को लगा दें, मौसी को लगा दें, चाचा को लगा दें, ताऊ को लगा दें, दोस्त को लगा दें, दोस्त को लगा दें, है ना। उनके ये फैमिली मेंबर आपने लगाए, और उसके नीचे आप अपने दूसरे लोगों को लगाते चले आ रहे हैं। ये लोग अभी हो सकता है इनएक्टिव हों, लेकिन भविष्य में जो है इनके पास जब पैसा आएगा, थोड़ा सा ही आएगा, 1000-2000 भी आएगा, लेकिन उन्होंने देखा कि आपके पास 10,000, 50,000 या 1,00,000 आ रहा है, तो वो एक्टिव हो, ये एक्टिव हो जाएंगे, तो उनको एक तैयार लेग मिल जाएगा। एक लेग इनको मिनिमम कितना लेना पड़ेगा एक्टिव होने के लिए? एक्टिव होने के लिए 900,000 रुपये का प्रोडक्ट एक बार, उसके बाद नहीं भी ले रहे हैं तो चलेगा, लेकिन वो अगर जो है उनको प्रोडक्ट पसंद आ गए तो लेते रहेंगे, तो आपका ऑटोमेटिक वो वहाँ से वो भी एडअप होता जाएगा। मिनिमम अगर अपन ले चल रहे हैं, मैं मंथली परचेज कर रहा हूँ, चल रहे हैं आप ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी जो मेरे पॉइंट सब एडअप हो रहा है, एडअप हो रहे हैं, उसी बीच मैंने उसी मंथ के अंदर मेरे मान लीजिए मेरे लगे 40 लड़के, 40 में से मैंने 6 को सिलेक्ट करके अपना फ्रंट रो कर लिया, बाकी उनके नीचे लगा, बाकी उनके नीचे चल रहे हैं। वो 40 भी 3,000-3,000 की मंथली बराबर चली रही है परचेजिंग, तो वो पूरे पॉइंट्स भी ऐड अप होते जाएंगे, और वो जितनों को ऐड अप करते चले जाएंगे उनके भी पॉइंट मेरे पास ही ऐड अप होते जाएंगे। मतलब मैं परचेज पे अलग पॉइंट ऐड अप होंगे मेरे, और साथ में उनके साथ साथ भी चलते रहेंगे, वो जितनों का एडिशन करेंगे अपने। हाँ, साथ यहाँ पे पर्सन जोड़ने का पैसा नहीं मिलता, जो भी टर्नओवर होगा, जो भी उनकी परचेज, हाँ, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। आप नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम नबील, सॉरी मैं भूल गया, नबील। नवील आप ये समझिए कि आपकी ये आईडी है, ये जो आईडी आपकी है, इस आईडी के बाद जो भी व्यक्ति आएगा वो आपकी टीम है, और उसका जो भी टर्नओवर है वो आपका टर्नओवर है। हाँ, और इसको हम कैसे देखते हैं टर्नओवर को? एक होता है पर्सनल टर्नओवर, और एक होता है ग्रुप टर्नओवर। पर्सनल टर्नओवर पे जितना परसेंटेज पे आप हो उतना आपको मिल जाएगा, ग्रुप टर्नओवर पे जो डिफरेंस होगा वो आपको मिल जाएगा। जो डिफरेंस होगा जो मैंने बताया था ना कि वो 5 पे आप 11 पे, तो 6% आपको मिलेगा। तो ये दोनों ही टर्नओवर आपके टर्नओवर के लाएंगे। हाँ,
क्लियर। और कोई डाउट हो कुछ हो तो बोलती दीजिए। अगर मान लीजिए आप 40 लोगों की टीम के साथ आ रहे हो, आप फास्ट 20 पे भी आ सकते हो एक ही महीने में, क्योंकि अगर मेरे पास टीम ज्यादा है तो सारा खेल नंबर्स का है और टर्नओवर का। नंबर पे कितना टर्नओवर आ रहा है, आप एक व्यक्ति भी 10,000 का काम कर रहा है, 10,000 पीबी का या 7,500 पीबी का, तो आपको वही मिलना है, है ना। और अगर वो ही चीज अगर ये जो है 25 लोग या 50 लोग मिलके कर रहे हैं 7,500 पीबी, तो भी कंपनी को उतने देना है, लेकिन वो सब में डिवाइड हो जाएगा जिसने जितना करा उतना, क्योंकि कंपनी को तो सबको देना हर मंथ इतना बांटने ही बांटना है। 100 रुपए की चीज जो बनती है उस पे कंपनी को अपना प्रॉफिट रख के सारा बांटना होता है, है ना। तो उसमें से हम कितना ले पाते हैं वो हमारे ऊपर है, ठीक है। और कोई डाउट नहीं सर, अब चलें जरा। हाँ एक मिनट सर, बंद कर दिए क्या? नहीं चालू है ना। दोस्तों गुड मॉर्निंग, विकास अग्रवाल। बहुत समय से डिमांड आ रही थी कि पीबी वाला जो है प्लान दिखाया जाए, तो इसमें कुछ क्वेश्चन कुछ क्यूरी आई, तो वो भी आपको फ़ायदा कर रहा होगा। तो हम जो है ये प्लान आपके लिए लेके आए हैं, आप इसको देखिए। कोई क्यूरी हो तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे। मैं चाहूँगा कि पूरे भारत से जो भी लोग वेस्टीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे कॉल करें। मेरा नंबर है 9893468111। दूसरा नंबर है 9303131466। यूट्यूब चैनल है विकास अग्रवाल वेस्टीज के नाम से, फेसबुक आईडी है विकास अग्रवाल बिंदल के नाम से। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी विक्की सपना के नाम से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, विश यू वेल। पैन कार्ड तो अप्लाई हो जाएगा, पैन कार्ड जो होता है वो आपको महीने भर में आ जाता है आपका जो। हाँ पैन कार्ड हम बाद में दे देंगे, आप अभी जो है बैंक पासबुक की कॉपी और अपना जो है। अच्छा तो फिर मेरा जो वर्क करने का तरीका है वो मैं जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे बड़ा फेमस सा पेज है तो मैं उस पे चाहूँ तो उन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करके अपनी आईडी से ही, लोग जो भी मुझे ऑर्डर देते हैं तो फिर मैं अपनी आईडी से ही उन्हें परचेज बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूँ। हाँ वहाँ पे आप जो है अपना जो है प्रमोशन डाल सकते हैं, है ना। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे आप डाल सकते हैं कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरा खुद का जो है